प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई काशी का नक्शा दिखाया है और बीजेपी के 2022 यूपी चुनाव अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों पर मुहर लगाकर यह बता दिया है कि आने वाले यूपी चुनावों में बीजेपी का मिशन यूपी क्या है। वाराणसी को आज 1500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपने आए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कम से कम 6 मौकों पर योगी को जमकर शाबाशी दी। मोदी योगी की जोड़ी यानी मोदी के शब्दों में डबल इंजन वाली सरकार का विकास मॉडल बीजेपी का मंत्र है, यह आज साफ साफ दिखा भी। लेकिन दंगल में आज का सवाल है कि विपक्ष की इसकी काट में क्या होगी रणनीति। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही। आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब ठीक ठाक है। तेजी से अग्रसर है पूरे क्षेत्र में। लेकिन 8 महीनों बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी को विकास की सौगात देने आए पीएम मोदी पूरी तरह बता गए कि यूपी में योगी ही उनके जोड़ीदार जबरदस्त हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। काशी के प्रोजेक्ट्स के जरिए यूपी के पूर्वांचल को विकास का मॉडल दिखाना और योगी के नेतृत्व पर भरोसा कायम रख 2022 के चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 24 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जीती थी, लेकिन 2019 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 और 2 सहयोगियों अपना दल एस ने जीत। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 167 सीटों में से बीजेपी ने 129 पर जीत दर्ज की। पूर्वांचल की राजनीतिक अहमियत के मद्देनजर आज काशी में प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रमों को 2022 के मिशन बीजेपी की शुरुआत माना जा रहा है। तो उधर पीएम के काशी दौरे के दिन समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर अपने तेवर दिखाए। उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अराजकता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने दुशासन हैं, कितने दुर्योधन हैं, इन सब के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तहसील 2017 में समाजवादी कांग्रेस के 2 लड़के अकेले मोदी से पार नहीं पा सके थे, लेकिन 2022 में मोदी योगी की जोड़ी है और समाजवादी की जोड़ी का अभी पता नहीं। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
क्या जोड़ी कमाल कर जाएगी या फिर विपक्ष बाजी मार ले जाएगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। आरएसएस के जानकार अवनिजेश अवस्थी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र त्रिपाठी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा, और इसके बाद डिबेट ओपन होगी जिसमें मेहमान आपस में भी एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले संबित पात्रा आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, योगी जी का काम बीजेपी के हक में दिलाएगा परिणाम 2022 में? देखिए चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वीं बार बनारस गए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, और 1500 से अधिक करोड़ रुपए का जो सौगात उन्होंने बनारस को दिया है वो पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाता है। दूसरी बात है, आप देखिए आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता था तो क्या डिस्कशन होता था? डिस्कशन होता था कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत जात हैं। मगर आज डिस्कशन होता है डेवलपमेंट क्या हुआ है, कानून की परिस्थिति कैसी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स का रूल होता था, आज वहां कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आज वहां भाई भतीजावाद समाप्त हो चुका है, एक ही परिवार का या एक ही व्यक्ति का वहां साम्राज्य समाप्त हो चुका है, और वहां विकासवाद का साम्राज्य चल रहा है। विकासवाद आज उत्तर प्रदेश को सेवा दे रही है। आपका ऑफिस, आज तक का ऑफिस खुद नोएडा में है। आप बताइए चित्रा जी, पहले बिजली की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या थी और आज उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है? आप देखिए कोरोना को लेकर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है, वैसे में जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज से चार दिन पहले कहा कि काश हमारे पास योगी जी होते तो ऑस्ट्रेलिया को भी इस मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिल जाती है। और बहुत सारी परियोजनाएं, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हो, चाहे वो डेवलपमेंट के बाकी आगे सभी में योगी और मोदी जी ने अच्छा किया। अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का योगी जी के लिए ट्वीट सामने नहीं आया था जन्मदिन के दिन, तो आप लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था इसको और ये कहा था कि कितनी खींचतान है, ये है वो है। आज जमकर उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि योगी मॉडल ही चलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या सोच रही है समाजवादी पार्टी, क्या है काट आप लोगों के पास इसका? अगर ये कह रहे हैं योगी मॉडल चलेगा तो वैसे आप जानते हो सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में गई। विकासवाद की बात करते हैं, विकासवाद नहीं, यहाँ सांप्रदायिकतावाद चला रहे हैं। जहां तक इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एमपी इनकी तारीफ कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ आपके एमपी और आपके सांसद विधायक आपकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में, तो आपको जरूरत पड़ रही है बाहर के सांसदों से तारीफ करवाने के लिए? इतने बुरे दिन आपके आगे कि आपके सांसद आपकी बुराई करते हैं? जहां तक ये आप पहले तो गाय गंगा पे वोट मांगा जाता था, गाय गंगा तो भूल गए लोग, पहले तो उसकी बात ही नहीं की, उन्होंने किसी तरह कोई बात नहीं करना चाहते। पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या, कानून व्यवस्था की, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है, यहाँ पे किस तरह दुशासन और दुष्यंत पैदा हो गए, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा किस तरह से चीरहरण और किस तरह गोली बारूद चलती है, पुलिस वाले को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जाता है, पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है, ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजकल जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे तानाशाही राज चल रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के विरोध में आज समाजवादियों ने प्रदर्शन भी किया हर जिले स्तर पर, हर तहसील पे जाके इनको बताया है कि बेरोजगारी महंगाई किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान है, किसान किस तरह से धरने पे बैठा है, 700 किसानों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। किसानों की चिंता नहीं, बेरोजगारों की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं, और रोड को बताते थे हमने सही बना दिया, रोड में गड्ढे हो गए, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी 2022 में गिर जाएगी, क्योंकि इन्होंने गड्ढा खुद रोड पे खोदा है और ये गड्ढे में ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम नहीं किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावाद खिलाई है। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और सांस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, हमारे सांप्रदायिक प्रदेश नहीं बल्कि संस्कारी प्रदेश बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। और इसी को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश के तहत कार्यकर्ता आज सड़कों पर थे, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए 2022 में? चित्रा जी, काशी या वाराणसी सिर्फ एक प्रधानमंत्री या एक सांसद का चुनाव क्षेत्र नहीं है, काशी की पहचान भारत से है और भारत की पहचान काशी से है। काशी पौराणिक नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी को चुना था
तो उसके पीछे सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र या सुरक्षित चुनाव क्षेत्र नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयता से अपने आप को जोड़ करके भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। आज अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि चिरहरण होता है, ये एक आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि जिसने भी किया वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया, जिनके ऊपर आरोप थे वो गिरफ्तार हुए, और जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशीलता दिखाई गई। असलियत ये है, आप याद करिए, मैं तुलना करना नहीं चाहता, 2017 से पहले, 2017 से पहले क्या हाल था? नोएडा में एक जीप पर एक पुलिस अफसर को बोनट पर लटका करके घुमाया जाता था, सरेआम वहां पर एक खान साहब थे पुलिस अफसर, उनकी हत्या कर दी जाती थी। क्या हालत थी कानून और व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था की? चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, विकास की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री ने जिन चीजों का जिक्र किया है वो कागजी नहीं है, वो वास्तव में है। अब वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। संबित पात्रा ने सही कहा कि अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद को सिर्फ मैनेज नहीं किया गया, ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी जी की तारीफ हो रही है, उनके कामकाज को सराहा जा रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, वैसे तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन खुलकर बीजेपी की मुखालफत करते हैं, लेकिन यहां पर तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका वो मॉडल जिसके भरोसे 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस जोड़ी की काट में कौन है विपक्ष में जो इस जोड़ी के लिए बड़ी चुनौती बन पाए? 300 सीट इनकी नहीं आ रही है, इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण इन्होंने किया है चुनाव में कितनी सीटें इनके, इनका अपना आंतरिक जो विश्लेषण है वो इनको बता रहा है कि इनकी 80 से 90 सीट आ रही है। ये चीज अभी मीडिया में प्रचारित नहीं हुई है, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी 80 ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का बनारस का दौरा है, मैं आपको बता दूं पूरे मीडिया में बनारस में जो जो क्रक्स ऑफ द मैटर, जो मेन चीज है, छुपाई जा रही है। ये संबित पात्रा और जो अवस्थी जी है बैठ के झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे 100% झूठ। मैं अभी बनारस में मार्च में गया था, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आर्किटेक्ट होने की हैसियत से वहां पे कुछ डिजाइन करने गया था। इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला, वहां पे एक पावन पथ है, पावन पथ मतलब 108 मंदिरों को जोड़ के एक सर्किट बनना है, उसको मैं डिजाइन करने, उसको स्टडी करने में गया था। पूरे पूरे बनारस में गंदगी का इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का बुरा हाल है, और जो एक क्योटो बनाने की बात करते थे, क्योटो क्या वहां कबाड़ा कर दिया उसका। और प्रधानमंत्री जी वहां पे खाली जो अच्छी चीज है, प्रधानमंत्री के रस्ते में पूरे पूरे बैनर और पर्दे लगा दिए गए कि वहां पे मीडिया में या देश को ये दिखाई ना पड़े कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। प्रधानमंत्री जी वो चीज पैकेजिंग करते हैं, जो अच्छी चीज है वो तो दिखाते हैं, और जो उसके पीछे जितनी गड़बड़ी है वो सब छुपाते हैं, सब झूठ का पुलिंदा है। ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते थे दिखास और छपास से आदमी को बचना चाहिए। इनको कितनी दिखास और छपास की जरूरत है कि सुबह से शाम तक कैमरा इनके पीछे लगा रहता है और जो असली चीजें हैं वो दिखाई नहीं जाती, जो चीज इनको सूट करती है। आपका भी समय समाप्त हो गया, अब आप बताइएगा कि कैमरा किसके पीछे लगाया जाए अगर प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, और आप कह रहे हैं कि 80 से 90 सीटें आ रही हैं, तो ये भी जरूर बताएगा फिर जीत कौन रहा है। लेकिन संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि केवल मीडिया में इस तरह की खबरें हैं, बाकी बनारस में कोई भी काम नहीं हुआ है, तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी भी आज सड़कों पर थी, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावों में धांधली के मुद्दे पर जवाब दीजिए डॉक्टर संबित। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले मैं जो बीएसपी के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं त्रिपाठी जी, मैं बीएसपी के स्पोक्स पर्सन का जवाब दे दूं। देखिए, ये बीएसपी के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि प्रधानमंत्री केवल छपास के लिए जा रहे हैं और काशी की परिस्थिति बहुत खराब है। हमें रूप में बैठा हूं, मैं चित्रा जी, मैं बीएसपी के स्पोक्स पर्सन से कहूंगा कि प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं निवेदन करूंगा, मैं बीएसपी के स्पोक्स पर्सन से कहूंगा, आपसे निवेदन है कि हम चिल्लाकर डिबेट ना करें। कौन से शब्द वापस लेना? अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा, टीवी नहीं, अरे मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं कैसे जानूं आपको? जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज, इस तरह की ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितेंद्र त्रिपाठी, एक सेकंड सर, प्लीज, एक कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, भ्रष्टाचारी कौन है? आप बनारस की घटना किनारे पर, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये गलत बात है जितेंद्र त्रिपाठी, आज बारी आएगी तो आप बोलिएगा। प्लीज जितेंद्र त्रिपाठी, जितेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज, ये चित्रा जी, ये दो कौड़ी के बिके हुए पत्रकार को बोलिए, सुनेगा जरा।
मत बोलिए आप दो कौड़ी के पत्रकार हैं, बिके हुए पत्रकार हैं, सुनिए ध्यान से, चिल्लाइए संबित पात्रा राष्ट्रीय जोकर आप सुनो, तुम दो कौड़ी के बिके हुए पत्रकार ध्यान से सुनो, चिल्लाइए इस तरह की किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक मर्यादा होती है चैनल की, उस मर्यादा का आप पूरी तरह से पालन करेंगे और यहां पर पूरा देश देख रहा है। जितेंद्र त्रिपाठी प्लीज, आपकी बारी आए तो आप जवाब दीजिएगा। आपने काशी की कमियां गिनाई तो उस पर जवाब सुनिए आप और थोड़ा धैर्य भी दिखाइए। डॉक्टर संबित अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए चित्रा जी, काशी में परिस्थिति क्या है और वहां से किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसे किसी प्रवक्ता को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके अनेकों पत्रकार, आपके अनेकों रिपोर्टर और मैं तो मानता हूं खुद चित्रा त्रिपाठी भी वहां गई होंगी। पहले किस प्रकार गुच्छे बन बन के जो इलेक्ट्रिक बिजली के तारे ऊपर लटकती थी, आज वो दिखती नहीं है, वो कंसील्ड हो चुकी है, जमीन के नीचे उन्हें दफना दिया गया है। पहले किस प्रकार की अवस्था सड़कों की थी, उनको किस प्रकार से 4 लेन 5 लेन में बदला गया है, ये हम सब ने देखा है। चित्रा जी, पहले घाटों की, मैंने आपको खुद वहां से रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, मैं तो आप ही से कहूंगा पहले घाट की परिस्थिति क्या थी काशी में, आज बनारस में घाटों की परिस्थिति क्या है, यह देश से छुपा नहीं है। भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा के मंदिर के आसपास का दृश्य क्या था, छोटी सी पतली सी संकरी से गली से होते हुए हमें भोले बाबा के मंदिर में जाना पड़ता था। आज भोले बाबा के दर्शन के लिए वहां जाते हैं तो वहां का दृश्य बदला हुआ सा नजर आता है। ये आज की काशी है, इसको किसी प्रकार से कोई नकार नहीं सकता। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, ये कितनी बड़ी बात है। अब मैं आप मुझे 10 सेकंड दीजिए चित्रा जी, काशी का बीजेपी ने जो दावा कर रहे हैं समित पात्रा जी, देखिए इन्होंने भोले बाबा की बात की, भोले बाबा के रास्ते को कह रहे हमने बनाया, 300 मंदिर ढा दिए गए बनारस में और उनके कूड़े को नदी में बहा दिया गया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। भोले बाबा क्या थे, भोले बाबा थे वो सभी को लेके साथ चलते थे, सांप बीची छछूंदर सबको अपने साथ अच्छे बुरे, यही समाजवाद था। समाजवाद मतलब क्या होता है, समाज में हर व्यक्ति को साथ लेके चलना, चाहे किसी जाति धर्म का हो। सांप बिच्छू छछूंदर, समाजवाद मतलब सांप बिच्छू छछूंदर, सभी व्यक्ति को साथ लेके चलना। और आपने भोले बाबा के साथ क्या किया, आपने 1200 रुपए की आरती कर दी, वहां भी बिजली शुरू कर दी। 12 गरीब आदमी कैसे भोले बाबा के दर्शन करेगा, क्या बोल रहे हैं, 1200 रुपए की टिकट कटाओ तो आप आरती कर पाओगे, ये आपने भोले बाबा, ये आपने गरीबों के साथ वहां पे किया। आप बता रहे थे यहाँ पे लंबी लंबी, इसलिए कहते हैं आप कागजी विकास की बात करते हो, आप धरातल विकास की बात नहीं करते। वो पूछ रहे हैं साफ बिच्छू छछूंदर किसको बोल रहे हैं आप, किसको किसको बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं सांप छछूंदर नहीं, भोले बाबा क्या करते थे, भोले बाबा के पास सांप भी होते थे, भोले बाबा के पास मोर भी होते थे, सारे चीजों को लेके साथ सांप और मोर एक साथ भोले बाबा के साथ रहते थे। और यहाँ पे किसी को तो समाजवाद बोलते हैं ना, हर व्यक्ति एक साथ बैठे तो समाज तो के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो कल्चर ही खत्म कर दिया बनारस का। चलिए भोले बाबा जी, मैं बोल लूं, भोले बाबा का क्या था, भोले बाबा समाज के हर व्यक्ति को, अच्छे बुरे जो भी व्यक्ति होता था उसको अपने अपने अंदर समाहित कर लेते थे, अपने पास उसको जगह देते थे और उसके अंदर में ज्ञान की, उसके अंदर को जो बुरे होते थे उनके अंदर भी ज्ञान डालते थे कि अच्छे बुरे सब साथ मिलके रहो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या समाजवादी खत्म कर दिया वहां पे, इन्होंने एक नफरत का संप्रदाय वाला राजनीति इन्होंने वहां शुरू कर दिया। जवाब दे दीजिए। और डॉक्टर संबित पात्रा, चूंकि अभी हाल ही में हम सब ने देखा था पंचायत के जो नतीजे सामने आए थे पूर्वांचल में, उसने करारी हार आप लोगों को दी थी। एक सेकंड सुन लीजिए अनुराग बलोरे, अब पूर्वांचल जीतने का प्लान आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले जैसी परफॉर्मेंस हो पाएगी, क्योंकि पंचायत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा कर रखी हुई है पूरे के पूरे पूर्वांचल इलाके में और इसी वजह से ये ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सुन लीजिए। दो सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ बनारस की आत्मा को इन्होंने मार दिया, बनारस की आत्मा खत्म कर दी। बनारस की आत्मा क्या थी, बनारस की आत्मा थी, आप किसी गली से जाओ तो वहाँ पे हलवाई आपको दूध फेंटता हुआ मिलता था, आप दूध पी रहे होते थे, चौराहे पे आदमी बात खा के पान खा के बातें कर रहा था, दूध नहीं पी रहे लोग, क्या बोले जा रहे हैं चित्रा जी, हम भी सुन रहे हैं। आप वहाँ, आपने वहाँ बिजनेस डेवलप करने के चक्कर में, बिजनेस बाहर के लोगों को लाने के चक्कर में, अरे दूध है, लोग अभी दूध पी रहे हैं बनारस में, किसने बोला दूध पीना बंद कर दिया लोगों ने, अरे चित्रा जी क्या क्या बोले जा रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं बैठ के। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक तो मोर सांप छछूंदर, फिर आप बोल रहे लोग दूध भी नहीं पी रहे हैं, क्या मजाक हो रहा है ये सब। और जो भोले बाबा का संस्कार, जो संस्कृति थी, उसको आप अपना लीजिए प्रभु, वही समाज। भोले बाबा मेरे को भदौरिया जी से रक्षा करो, अरे बाबा भोले बाबा, चित्रा जी भोले बाबा का कुछ तो आचरण ले लो, भोले बाबा ये भदौरिया जी से रक्षा करो, बोलने तो दो मुझे, चित्रा जी प्लीज मैं जरा बोल लूं, मैंने सुन लिया पूरा। आपने सवाल पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए डॉक्टर संबित। देखिए एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं। इनका मुख्य आक्षेप है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकतावाद, कम्युनलिज्म फैला दिया।
हमने राम मंदिर क्या बना दिया, आपको वो सांप्रदायिकतावाद नजर आता है? हाँ, आपके लिए तो जो हार्मोनी होती है वो वही देखिए देखिए चित्रा जी, मैं तो शांति से सुन रहा था, आपको पूरा बुलवा लीजिए, थोड़ा सा धैर्य दिखाएं अनुराग जी प्लीज। अगर हर एक शब्द पर आप टोकेंगे तो उनकी बात नहीं हो पाएगी और दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, प्लीज अनुराग भदौरिया जी प्लीज। चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार बोलेंगे तो फिर जवाब कैसे लेंगे अनुराग भदौरिया? जवाब कहाँ दे रहे हैं, वो राम मंदिर पे चले गए, जवाब हो रहा है विकास पे। ठीक है, अब आपने बोल लिया है, अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सा सुनने का भी धैर्य दिखाइए। अनुराग प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज, डॉक्टर संबित देखिए चित्रा जी मैं बहुत सीरियसली चित्रा जी आप इनके आवाज को कम करिए, फिर मैं बोलता हूँ, तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाता है। चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी मैं वेट करता हूँ, आप पहले चुप रहेंगे, वो आप चुप रहेंगे प्लीज, मुझे ब्रेक पर जाना है, समेत अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। चित्रा जी ये समाजवादी पार्टी बहुत दुखी है कि राम मंदिर बन रहा है, किसी भी कीमत पर राम मंदिर को अटकाना, किसी भी कीमत पर राम मंदिर को बनने नहीं देना इनका ये। चित्रा जी फिर ये शुरू हो गया, प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ना, नहीं कर सकते हैं चित्रा जी? आप दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, इस बात को समझिए, आप इतने दिनों से इतने सालों से आप डिबेट कर रहे हैं। अनुराग प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, आपकी बारी आने पर आप बोलिएगा बिल्कुल। नहीं चित्रा जी आप आवाज कम, चित्रा जी दो लाइन तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, क्या मजाक का डिबेट हो रहा है बताइए? आप बिल्कुल शांत रहेंगे संबित जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप प्लीज जल्दी से। देखिए आप लोग ब्रेक ही ले लीजिए, डिबेट तो होना है नहीं, इनको बीच में चिल्लाना है, और कोई चाहता भी नहीं हो डिबेट हो, हर कोई यही हो रहा है मोदी जी की सरकार की जब चल रही है, तो विकास होता है, यहाँ डिस्टर्बिंग करने वाले एलिमेंट इतने बैठे हुए हैं कि वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते विषय को। ये जो कह रहे हैं हमने सांप्रदायिकतावाद कर दिया, किसने सांप्रदायिकतावाद किया? राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पे गोली चला करके अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग जो कहते थे हमने अभी तो 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ने पर 100 को भी मार देते, वो क्या सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं? इनका उद्देश्य एक ही है, इनका एम है कि किसी भी कीमत पे भगवान राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसे रोकना। नंबर दो, ये कह रहे थे कि हम सांस्कृतिक प्रदेश बना देंगे, कल्चरल प्रदेश बना देंगे उत्तर प्रदेश को। सेफई में देखा था हमने क्या सांस्कृतिक प्रदेश हुआ था, 25 लाख की बग्गी आई थी लंदन से जिसमें विक्टोरिया महारानी चली थी ताकि आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा सके, एक दिन का 25 लाख का किराया था। यह होता है समाजवाद, यह समाजवाद सेफई समाजवाद है जिसमें नाच गाने संगीत सब बाहर से बुलाए जाते थे, करोड़ों खरबों रुपए खर्च किए जाते थे। यह कह रहे थे कि जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया। कृष्णानंद राय कौन है पता है? कृष्णानंद राय 2005 में बीजेपी के एमएलए थे जिनको मार दिया गया, 400 राउंड गोलियां चली, कोई भी उनको न्याय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हालत देखिए, आज अगर गुंडे हैं तो गुंडे खुद ही पकड़ के आ रहे हैं अपने आप की हमको जेल में डाल दो, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ बदमाशी कर रहे होंगे तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गुंडों का राज हो या हम चाहते हैं कि वास्तविक रूप में वहां शांति हो? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था एक पत्रकार, महिला पत्रकार को, जब उत्तर प्रदेश में रेप हुआ था उन्होंने कहा था आपको क्या रहा है, आपका तो रेप नहीं हुआ है ना, आप क्यों जा रही रिपोर्टिंग करने के लिए? और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। अनुराग भदौरिया आप तो गीता के किसी नेता ने लिखा नहीं, ना आरएसएस के नेता ने लिखा, ना बीजेपी के नेता ने गीता के बारे में लिखा, आप बात करोगे यहां पे धर्म की है बीजेपी? सवाल बड़ा यह है, इस जोड़ी के सामने विपक्ष की कार क्या है, इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अनुराग भदौरिया जी चूंकि बहुत सारे सवाल डॉक्टर समित पात्रा की ओर से खड़े किए गए थे उसका जवाब दीजिए। और एक सवाल और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद हम लोग पैसा नहीं भेजते थे यूपी, लेकिन लखनऊ में रोड़े अटका दिए जाते थे, विकास का कोई काम नहीं होता था, जब से योगी जी की सरकार आई उसके बाद विकास की बयार बह रही है वहां पर, और कोरोना मॉडल की भी जमकर तारीफ की, उन्होंने कहा कोरोना में बेहतरीन काम किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। इसके मतलब कि देश के प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि योगी जी सरकार नहीं बना पाएंगे, उनको पता है कि अगर वो योगी जी के विकास का काम गिनाते, योगी जी ने 4.5 साल में कुछ किया नहीं इसलिए वो गिना नहीं पाए, इसलिए गाड़ी पीछे ले जानी पड़ रही, क्योंकि आगे ले जाएंगे तो गड्ढा खुदा हुआ है, गाड़ी उसी में गिर जाएगी,
इसलिए आप उनको पीछे बेग गैर लगाना पड़ रहा है, पुराने 2017 में जाके बातें बतानी पड़ रही जिससे कि योगी जी को बचा लें। मैं तो यही कहूंगा कोरोना काल में तो आपने देखा ही जिस तरह से यहाँ लाशों को नदियों में तैरती नजर आई और नदी को किनारे जानवर नौचते नजर आए और रोडों पे बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के लोगों की जान निकल गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी ना बेड की व्यवस्था थी, ये तो सबने देखा है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा पात्रा जी से भी कहूंगा और आज अपनी पार्टी को जाके समझाएं, मीटिंग ले आज उनको बताएं आप महादेव जी के रास्ते पे चलिए, उनको महादेव जी को पढ़िए, जानिए महादेव जी क्या थे। महादेव जी समाजवाद के प्रतीक थे, उन्होंने समाज को कैसे एक साथ लेके चला जाता है, समाज में हर व्यक्ति को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है, यही तो समाजवाद है। उन्होंने कैसे सबको जोड़ा था, अच्छे बुरे हर व्यक्ति को साथ बैठाते थे, उसको ज्ञान देते थे, ज्ञानी बनाते थे, बुरे व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देते थे, फिर सब एक साथ मिलके रहते थे, यही समाजवाद है जो आप सीख नहीं पाए इतने दिनों से। काशी 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 करते रहते हो, उसके बारे में ज्ञान तो पढ़ो, महादेव के बारे में पढ़ो तो सही, महादेव क्या थे, हर व्यक्ति को अपने साथ लेके उसको ज्ञान देना है, ये समाजवाद था जो वो आपको सिखाते थे, लेकिन प्रभु प्रभु महादेव को आपने पढ़ाई नहीं, आपने पढ़ लिया सांप्रदायिकवाद। इस पर भी जवाब दीजिए डॉक्टर संबित, ठीक है आपने तो कभी ज्ञान लिया ही नहीं, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, महादेव का ज्ञान लेते तो संबित पात्रा लेके चित्रा जी प्लीज हम बोल सकते हैं या इनकी नॉन स्टॉपिंग को सुनना पड़ेगा। जिस पूर्वांचल में पूरा जोर आप लोग लगा रहे हैं, महादेव मैंने सुन लिया, आपकी जानकारी में होगा कि हर 5 साल में वहां का मिजाज बदल जाता है, 2007 2012 और 2017 इसका बड़ा एग्जांपल है, क्या करेंगे ऐसे में आप अगर 2022 में स्थिति अलग हो गई। देखिए चित्रा जी, पहले तो वो आदरणीय भदौरिया जी ने जो शिव जी के बारे में कहा, महादेव जी के बारे में बहुत पहले से बता रहे, उसका जवाब दे दूं नहीं तो फिर तीसरी बार भी वही पूछेंगे। उन्होंने कहा महादेव के साथ सभी लोग होते हैं, महादेव समाजवाद के प्रतीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ये चाचा भी आपके साथ नहीं है, पिताजी को भी अखिलेश जी पूछते नहीं है, याद है ना आपको क्या हश्र हुआ था पिछले चुनाव से पहले। चित्रा जी ये फिर से शुरू हो गए, चित्रा जी आप प्लीज कंट्रोल करिए, ये मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं, ये नॉन स्टॉप बोलते हैं सबके बीच में, हम क्यों झेलते हैं इस बात बोल रहे थे वो चुपचाप, चित्रा जी आप इनकी आवाज को कम करेंगी नहीं करेंगी, बोल रहे थे वो आपको चुपचाप सुन रहे थे, अब वो बोल रहे हैं आपको भी कम से कम वही धर्म निभाना चाहिए, ठीक है व्यक्तिगत बोलिए, जितना व्यक्तिगत बोलना जनता के बारे में, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर वो व्यक्तिगत चित्रा जी मैं रोकूंगी अनुराग, लेकिन प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा, चित्रा बोले चित्रा जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हम लोग इतने वर्षों से आपके चैनल पे डिबेट करने आते हैं, अनुराग जी भी आते हैं मैं भी आता हूँ, क्या हम लोग जानते नहीं है कि अनुराग जी सभी दूसरों के बीच में बोलते हैं, फिर भी हम उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं और वो लगातार बोलते रहते हैं। देखिए इन्होंने तीन तीन चार चार बार कह दिया कि महादेव जी छुछुंदर को भी लेकर चलते थे, सांप को भी लेकर चलते थे, मोर को भी लेकर चलते थे, सभी जानवरों को लेकर, ये प्लीज चित्रा जी आप इनकी आवाज को गलती, बाकी दो लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब वो नहीं बोलेंगे अनुराग, अगर आप बोलेंगे ठीक है तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन, चित्रा जी समझ जी प्लीज प्लीज, चित्रा जी आप जो मुझे एडवाइस दे रही हैं कि दो लोग और इंतजार कर रहे हैं, तो ये गलती मेरी नहीं है चित्रा जी, ये गलती मैनेजमेंट की है कि एक आदमी सबके बीच में बोलता है और हम बोल नहीं पाते, अब वो नहीं बोलेंगे, देखिए ठीक है देखते हैं इंतजार करते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि छुछुंदर सांप मोर सबको लेकर महादेव जी चलते थे, मैं तो कह रहा था ये समाजवादी पार्टी तो लेके चल रहे थे, अच्छे लड़के बने हुए थे, साइकिल में राहुल गांधी को बैठा कर लेके चल रहे थे, बुआ को भी लेके चल रहे थे, क्या हुआ क्यों उतार दिया, क्यों इतना बड़ा समाजवाद का आप महादेव जी का उदाहरण दे रहे थे, लेके चलते राहुल जी को, लेके चलते अपने बुआ जी को, क्यों बुआ भतीजे अलग क्यों हो गए, फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, जाओ चले जाओ तुम, ये सब ऐसे ही हैं, ये तो पिताजी को लेकर नहीं चलते थे, अखिलेश जी ने तो अपने पिताश्री को दुत्कार दिया, जिस बेटे ने अपने पिताश्री को दुत्कार दिया है वो यहां का छुछुंदर सांप की बात करता है, महादेव जी की बात करता है, जो अपने चाचा को नहीं पूछता है, चाचा दूसरी पार्टी बना के लड़ रहे हैं यहां पर, ये क्या समाजवाद की बात कर रहे हैं, पहले जाके महादेव जी को पढ़िए और अपने घर को सुधारिए अनुराग जी, उसके बाद यहां पर आकर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बाद में आकर महादेव जी क्या होते हैं ये समझाइएगा हमें, ठीक है चलिए अनुराग जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जितेंद्र त्रिपाठी, फिर अभिनय शिव मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, एक बार जितेंद्र जी की बात हो जाए, जितेंद्र जी संबित पात्रा कह रहे हैं कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, इसी वजह से राहें अब अलग अलग हो गई, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ये बार बार ये कहते हैं कि राम भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, ये कई बार ये मैं डिबेट तो खैर रोज ही देखता हूं, मैं आया आज हूं, ये संबित पात्रा जी को मैं जवाब देना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ये हुआ था वो हुआ था, भाई राम भक्तों पे अगर गोलियां चलवाई थी उन्होंने
तो आपने आपके कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में क्या करने गए थे? इनकी पार्टी में उनका बेटा मंत्री क्यों बना था? उनके परिवार वाले मंत्री क्यों बने थे? और फिर जब कल्याण सिंह जी ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों से अपना संबंध बनाया जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आपने वापस उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? गौरव भाटिया वहां पे उसी पार्टी में थे जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज आपके यहाँ वो ये प्रवक्ता बने क्यों बैठे हैं? नरेश अग्रवाल जी की पार्टी थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? इसका जरा जवाब दीजिएगा। दूसरा चित्रा जी मैं बताऊं, काशी शिव की नगरी है, अभी संबित पात्रा जी ने बोला और अनुराग भदौरिया जी ने बोला और अवस्थी जी ने बोला, काशी पवित्र नगरी है, काशी में शिव जी के अलावा वहां पे अन्य तमाम सारे देवताओं के देवियों के मंदिर हैं, उनका जरा हाल जाके देख लीजिए। मंदिर वहां पे माँ शैलपुत्री का मंदिर है जिसकी नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं, माँ शैलपुत्री के मंदिर के सामने इतना कूड़ा करकट सुअर वहां टहल रहे हैं, मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे कंप्यूटर पे फोटोग्राफ खुला हुआ है, वो मुझे पता लगा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आप नहीं देख पाएंगे। मैं संबित पात्रा जी से आग्रह करता हूँ कि आप किसी दिन प्रोग्राम बनाइए, हमारे साथ बनारस चलिए, हम लोग एक मिला जुला वीडियो बनाएंगे, उसको मीडिया को दे देंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि काशी में क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। खाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसमें आपने 400-500 मंदिर तोड़ दिए और मंदिरों के सहारे तमाम सारे पुजारियों का दिल तोड़ दिया, उनका जीवन तोड़ दिया, उनको बर्बाद कर दिया, खाली उसको दिखाने के अलावा बाकी काशी में कुछ है नहीं। मैं अभी मार्च में ही होके आया हूँ, 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके लोकार्पण शिलान्यास नहीं पूरी हो गई है योजनाएं, लोकार्पण और शिलान्यास दोनों ही था 1500 करोड़ की परियोजना का। ठीक है, एक अभिजेश अवस्थी जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा डॉक्टर संबित। एक बार जल्दी से अभिजेश अवस्थी जी, बहुत देर से वो चुप थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभिजेश जी बताइए, कामकाज को गिनाया जा रहा है लेकिन वो कह रहे हैं कि काशी का जो कामकाज, जो चमकाने की बात या काशी को क्योटो बनाने की बात की जा रही है वो सच नहीं है। जितेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं, चित्रा जी काशी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये काशी वाले तो स्वयं जानते हैं जो काशी में रहते हैं, ये बाहर से जाने वाले कि मार्च में गया था, अप्रैल में गया था, मार्च में मैं भी काशी गया था, मैं भी मार्च में काशी में ही था, ये बड़ी साफ सी बात है कि ये तय काशी के निवासी करेंगे। काशी के निवासी अगर तय करते हैं तो ठीक है। आप एक बात जान लीजिए कि ये बात यहाँ पर बिना सांस लिए जैसे समाजवादी या जितेंद्र जी बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि बाहर कोई इनकी सुनता नहीं है, क्योंकि ये झूठ सामने तो आमने तो बोल नहीं सकते। यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ करके आप बोलते रहिए, रोकने पर भी बोलते रहिए, कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सड़क पे जाके बोलेंगे तो जनता जवाब देती है पटक से, और जनता लगातार जवाब दे रही है पटक से। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पर टेलीविजन चैनल में बैठ करके बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। काशी की जनता को मालूम है कि वहां क्या क्या हुआ है। जिन लोगों को ये लगता है कि काशी में कुछ नहीं हुआ वो जाकर के काशी में माइक लेकर के लाउड स्पीकर पे बोले कि काशी में कुछ नहीं हुआ, काशी की जनता उनको जवाब दे देगी। यहाँ बैठ करके सुरक्षित स्टूडियो के अंदर बैठ करके या घर के अंदर बैठ करके आप जवाब देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी साफ सी बात है। अरे भैया मैं किसी के बीच में, जितेंद्र जी तो मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था, आपने खुद बोल दिया, आप नहीं बोल। अरे भैया वहाँ काशी के लोगों के बीच में जाके बोलिए ना कि देखो कुछ नहीं हुआ। काशी के लोगों को अगर लगता है, एक बात बताइए क्या थी मेडिकल फैसिलिटी 2017 से पहले? आप बताइए 2017 से पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार से कितने लोग मरते थे? अरे मुझे बताइए, मैं 2017 की बात कितना हुआ रूट पर दोनों तरफ पर्दे क्यों लगाए? ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो है वो अनुराग भदौरिया की बात सुनकर के आए क्या? प्रधानमंत्री के रूप पर दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया के सांसद अनुराग भदौरिया की बात सुनकर के कह रहे हैं कि काश पुतिन हमें मुक्ति को योगी को दे देते, मोदी भी बना रहा है। एक एक करके जितेंद्र जी की बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में क्या आएगा? ठीक है, आपको आपत्ति है कि पर्दे क्यों लगा दिए गए? अनुराग मैं आ रही हूं। ठीक है, क्या छुपाया गया? मेरी आपत्ति यह है पर्दे लगा दिया, परिवर्तन देखा है काशी को, क्यों काशी को पुराना जितेंद्र त्रिपाठी जी, आज अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और पर्दे लगाकर चीजें छुपा दी जाती हैं, चुनाव में तो कुछ नहीं छिपेगा ना? चुनावों के आंकड़े क्या बताते हैं इस बात पर भी तो आइए। लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ तो वही होता है ना जिसको जनता चुनती है। हम और आप कौन होते हैं? और जनता उनको बार बार मौका दे रही है बनारस से, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करूंगी, उसके बाद डॉक्टर संबित सीधे आपके पास आऊंगी। यूपी के बहाने देखिए, अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है यूपी में कानून का राज नहीं है,
ममता बनर्जी ने आगे कहा कि यूपी में क्या हो रहा है पीएम सब कुछ जानते हैं। आपको बता दें कि पीएम की रैली के बाद हाथरस से लेकर उन्नाव तक अपराध हुआ है। हाथरस और उन्नाव की घटनाओं का उनकी ओर से जिक्र किया गया। पीबीएम ने सीबीआई ईडी की कितनी टीमें यूपी में भेजी, ये भी बातें ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के बहाने ममता बनर्जी का पीएम पर निशाना, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए यूपी वाले तो आपके लिए चुनौती बन ही रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी चुनौती ऐसा लग रहा है कि यूपी में दस्तक देने वाली है। देखिए चित्रा जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से और खुले मन से कहता हूं, अभी तो ये ममता बनर्जी उतरी है, आप देखिए केरल से भी पिनरई विजय उतर जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। ये जितने लेफ्ट लिबरल वाले हैं और जितने ये हमारे पार्टी के जो विचारधारा के खिलाफ है, ये सब उतरेंगे मैदान में, क्योंकि इनको लगता है किसी भी कीमत पर इस रथ को रोकना है। आप बताइए, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था क्या? 2019 के चुनाव में ये सारे लोग हाथ पकड़कर खड़े थे बंगाल में कि हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को हरा देंगे, फिर क्या हुआ आपने देखा था। देखिए बंगाल में कानून की व्यवस्था क्या है, पहले तो ममता बनर्जी अपने राज्य के विषय में हमें बताए। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक के लोगों की पिटाई की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को भेजा है। एनएचआरसी के लोग जाके वहां जिस प्रकार से हिंसा हुई है, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव के नतीजे के बाद इस प्रकार से 42 लोगों का मर जाना, इस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार होना, यह कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ है, यह केवल बंगाल में हुआ है। और फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी आज दूसरे राज्यों की तरफ देख रही है। और दूसरी बात है, जहां तक काशी का सवाल है, देखिए यहां पर लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 2014 से पहले इन्होंने 8 लेन सड़क बनाया हुआ था, जैसे वहां मेट्रो पहले से चल रही थी, जैसे वहां 20 कन्वेंशन सेंटर थे, सब कुछ बढ़िया था। मोदी जी आए और मोदी जी ने ये सब कुछ समाप्त कर दिया, रोड तोड़ तोड़ के उसने सिंगल लेन कर दिया, मोदी जी ने बिजली के तारे उखाड़ कर मोदी जी ले गए। अनुराग भदौरिया, ममता बनर्जी का प्रचार करने बंगाल गए थे, बताइए ममता बनर्जी भी आ रही है आपके साथ, आएंगी या अकेले आएंगी? देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह का गुंडा राज चल रहा है इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। सरेआम चीरन होता है, पहले महादेव जी के बारे में तो बताइए, थप्पड़ मारा जाता है, वो सांप छुछुंदर का क्या हुआ ये तो बता दीजिए थोड़ा सा। सरेआम अपहरण हो जाता है कैंडिडेट का, अरे वो, अरे प्लीज भदौरिया जी, वो सांप और छुछुंदर चले गए, आपने तो प्रभु उत्तर प्रदेश, वो सांप छुछुंदर मोर उनका क्या हुआ? सफाई की बात करते रहे, अखिलेश जी की बात करते रहे, परिवार की बात करते रहे। अरे सफाई में क्या होता था पता है कि नहीं?